हे पंटर्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस चैनल का नाम है वांसी डरावनी कहानी एनिमेशन। ये चैनल पहले इंग्लिश में एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बनाता था, अब वो सारी इंग्लिश कहानियाँ हिंदी में डब कर रहा है। उस चैनल की कहानियाँ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, तो जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना। उस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अभी आज के कहानी पे आते हैं। ये कहानी दो दोस्तों की है, सतीश और राजेश की। वो दोनों को भी हॉन्टेड जगहों के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो दोनों जब भी मिलते थे, उन दोनों के पास शेयर करने के लिए कोई ना कोई भूत की कहानी या फिर स्पूक की अर्बन लेजेंड के बारे में बताने की घटना होती ही थी। एक दिन सतीश इंटरनेट पे ब्राउज कर रहा था, तभी उसे एक वेबसाइट के बारे में पता चला। उस वेबसाइट में अर्बन लेजेंड्स के बारे में जानकारी दी हुई थी। उसने एक कहानी पढ़ी जिसमें उसके नजदीक के एक ब्रिज के बारे में बताया गया था। वेबसाइट पे उस ब्रिज के और ब्रिज के सराउंडिंग के बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए थे। वेबसाइट पे लिखा था वो ब्रिज हॉन्टेड है। सतीश को पता था राकेश उसके साथ उस ब्रिज पे जाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। अगली बार जब सतीश राकेश से मिला, सतीश ने उसको उस ब्रिज के बारे में बता दिया। वो एक बहुत पुराना ब्रिज था जिसे कोई यूज भी नहीं करता था। फॉर अननोन रीजंस उस ब्रिज को एक सुसाइड स्पॉट के नजरिए से देखा जाता था। हर साल एटलीस्ट 20 से 30 लोग उस ब्रिज के ऊपर से पानी में कूद के अपनी जान ले लेते थे। नोबडी कुड एक्सप्लेन वाई। लोग कहते हैं वो ब्रिज हॉन्टेड है उन लोगों के आत्मा से जिन लोगों ने इस ब्रिज के ऊपर से पानी में कूद के अपनी जान ले ली है। जब राजेश उस दिन अपने घर गया, उसने डिसाइड किया वो उस ब्रिज को चेकआउट करेगा। उसे डेस्परेटली किसी भूत को देखना था, तो वो उसी रात अकेले ही उस ब्रिज की तरफ निकल गया। कुछ एक घंटे बाद वो उस ब्रिज पे पहुंचा। जब वो उस ब्रिज पे पहुंचा, रात के कुछ 11 बज रहे थे और उस ब्रिज पे कोई भी नहीं था। उस ब्रिज पे बिल्कुल सन्नाटा था। एटमोस्फियर काफी स्पूकी था, इससे राजेश थोड़ा बहुत डर चुका था। वो दिस प्लेस इज क्रीपी, उसने उससे ही मटर किया। वो कॉशियसली वॉक करते हुए ब्रिज के एज पे आके रुका। उसने ब्रिज के नीचे बह रहे नदी में देखा। वो उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने इस ब्रिज के ऊपर से नीचे नदी में कूद के अपनी जान ले ली थी। उन लोगों के बारे में सोच के वो काफी भयभीत हो चुका था। राजेश ने सोचा उसको उस ब्रिज में मिले हुए एक्सपीरियंस के बारे में उसे अपने दोस्त को कॉल करके बताना चाहिए। सतीश को कॉल करने के लिए राजेश ने अपने जेब से सेलफोन निकाला, लेकिन वो ये देख के हैरान था कि उसके सेलफोन में रेंज ही नहीं थी। राजेश ने जब अपने इर्द गिर्द देखा, तब उसकी नजर एक फोन बूथ पे पड़ी। वो फोन बूथ ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पे था। वो उस फोन बूथ के अंदर गया, उसने फोन में कॉइन डाला और उसने सतीश का नंबर डायल किया। हेलो सतीश, गेस करो मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं उसी ब्रिज पे हूँ जिस ब्रिज के बारे में तुमने बताया था। यहाँ का व्यू काफी अमेजिंग है, तुम्हें इस जगह को जरूर विजिट करना चाहिए। हाँ मैं जरूर उस जगह को विजिट करूंगा। आई सॉ ऑल दी पिक्चर्स ऑन दी वेबसाइट। एक मिनट रुको, तुमने ये कौन से नंबर से मुझे कॉल किया है? राजेश ने हंसते हुए कहा, मुझे यहाँ पे अपने मोबाइल में रेंज नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इस ब्रिज पर मौजूद एक फोन बूथ में से तुम्हें कॉल किया है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सतीश ने पूछा। हाँ मैं अभी इस फोन बूथ में खड़ा हूँ जहाँ ब्रिज का एंट्रेंस है, वहाँ पे मुझे अभी निकलना चाहिए क्योंकि फोन बूथ के बाहर बहुत सारे लोगों की लाइन लगी है। मैं जब घर पे पहुँचूंगा तब तुम्हें कॉल करूंगा। जैसे ही राकेश के मुंह से सतीश ने ये सुना, सतीश ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं राकेश, डोंट गेट आउट ऑफ द फोन बूथ। मुझे वो जगह पता है, मैं वहाँ पे 30 मिनट में आ जाऊंगा। तुम कुछ भी करना, लेकिन उस जगह से हिलना मत। व्हाट्स रॉन्ग? राकेश ने पूछा। जस्ट प्रॉमिस मी तुम वहीं पे रहोगे, तुम वहीं से एक इंच भी नहीं हिलोगे, ओके? और फोन मत रखना, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा। जैसे ही सतीश ने फोन रखा, राकेश के मन में एक डर पैदा हो गया। राकेश उसी फोन बूथ में फोन को अपने कान से लगाए हुए खड़ा रहा। राकेश ने जब फोन बूथ से बाहर देखा, उसने देखा लोगों की लाइन फोन बूथ के बाहर लगी है। लाइन में खड़े हुए लोग साइलेंटली राकेश को देख रहे हैं। उन लोगों के आंखों में जो चमक थी, उससे राकेश काफी डर चुका था। कुछ एक घंटे बाद सतीश उस हॉन्टेड ब्रिज पे पहुंचा। उसने देखा उसका दोस्त ब्रिज के एज पे खड़ा है। वो उस ब्रिज के एज पे अपना सेलफोन कान पे लगाए हुए खड़ा था। देयर वॉज नो फोन बूथ एंड नो लाइन ऑफ पीपल वेटिंग टू यूज द फोन। अगर राजेश एक भी इंच हिला होता तो वो उस ब्रिज से नीचे गिर गया होता और मर गया होता। हे पंटर्स, अगर आपको इस वीडियो की अल्टरनेट एंडिंग सुननी हो तो जरूर खबरी ऐप पे सुन लेना। इस कहानी के खबरी ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और वांसी एंटरटेनमेंट का हिंदी चैनल भी जरूर चेक कर लेना।
तो चलो तो यार मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।